मैंने दो चीज़ खरीदी हुई है, वो भी अनबॉक्सिंग नहीं की है अब तक। सो मैं कल वाले ब्लॉग में करूँगा जॉब एंड या आई एम लिविंग फॉर द ट्रिप फॉर द टुमारो। Until you watch this vlog, I'll be into the another city for a short trip, we can say. So welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. Where I am going, for what purpose I am going, why I am going, that will be आपको धीरे धीरे vlog में पता चल ही जाएगा. So right now it's 6:30 in the evening and मैं completely ready हो चुका हूँ. White jersey, green shorts and shoes I am wearing because I am going to play cricket with my some friend. पे पास में ही एक टर्फ है, वहाँ पे खेलने जा रहे हैं. तो अभी चलते सीधा वहाँ पे. लोग एक्चुअली टर्फ में तो आ गए पर इधर का सब लॉक हो गए, कोई है ही नहीं इधर. अभी देखते उसको कॉल करते कि किधर है. हम लोग का बुकिंग है 7 बजे का, अब तक आया नहीं है. सो वेट करते आ जाएगा, कॉल वॉल करेंगे तो तब तक तो आ ही जाएगा. हमारे प्रो मैक्स प्लेयर मील चौहान आ चुके हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स. चल अभी फील्ड सेटअप कर दे, करो जल्दी, करो मील चौहान जल्दी, करो जल्दी फील्ड लगाना. क्या टाइम पास कर रहा है, फटाफट टाइम पास नहीं. उसका दे रहा है क्या पैसा है भाई? ओ भाई कौन हारा है, देख हम लोग हारे कौन. फाइनली खेल के वगैरह सब हो गया, हम लोग 5 मैच हारे 1 जीते, हम लोग 5 जीता 1 हारा. तो हो गया, अभी नेक्स्ट वीक मिलते फिर से. चलो वी विल डू इट अगेन. चलो भाई राइट गाइस, सो वी आर बैक फ्रॉम द टर्फ और अभी बज रहे हैं रात के 11. ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले मैं आ गया था. अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. सो राइट नाउ आई वेंट टू किचन, बाहर सब लोग सो गए और मैं मैगी बना रहा हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है. आयरन इज मुझे इन सब डब्बे में से पता नहीं कि मैगी किस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट कि किस में है. अभी इतना ढूंढने के बाद मैगी का डब्बा मिल चुका है. मैगी इज अ ग्रेट सक्सेस. मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट ऑफ मेकिंग दिस मैगी इज लाइक टू वेट फॉर इट टू बॉइल. भले ही बोलते हैं सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे लिखा है 2 मिनट, बट एक्चुअल में 2 मिनट बनती नहीं है, वो 10 मिनट लग ही जाते हैं. मोस्ट गुड पार्ट ऑफ दिस मैगी इज ये कच्चा मैगी को ऐसे बीच बीच में खाते रहने का, तोड़ते रहने का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. फाइनली हमारी मैगी है वो तैयार हो चुकी है. अभी ये सब जो कचरा है वो डस्टबिन में डालते हैं, फिर खा के सीधा सो जाते हैं बिकॉज कल सुबह कॉलेज जाना. हे गाइस गुड मॉर्निंग. सो बेसिकली दिस इज द नेक्स्ट डे. अभी बज रहे सुबह के 7:27 और मैं जा रहा हूँ कॉलेज. एक्चुअली आज कॉलेज इसलिए जाना है, कुछ की इंपॉर्टेंट कुछ बताने वाला है, इसलिए आज मैं फॉर्मल्स पहन के जा रहा हूँ. वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स एंड ब्लैक शूज़, फॉर्मल शूज़. सो अभी चलते सीधा स्टेशन की तरफ. एक और चीज़ जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि मैंने 2 चीज़ खरीदी हुई है. तो मैंने अमेजोन से ऑनलाइन कर दी थी ऑर्डर कल. सो आज तक मे भी आ भी जाएगी वो, मतलब आज जब तक मैं कॉलेज से आऊँगा तब तक वो आ जाएगी. सो आके हम अनबॉक्सिंग करेंगे. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट अनबॉक्सिंग एंड आई होप कि आप लोगों के वो प्रोडक्ट पसंद आए. एंड डू कॉमेंट डाउन बिलो कि आई मेड अ बेस्ट डिसीजन टू परचेज दैट और नो. क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया कि आई एम लिविंग फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. सो टुमारो आई विल बी लिविंग फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. सो इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा, मतलब परसों वाला व्लॉग, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. बैक होम एंड हमारे घर पे कोई गेस्ट है, इसलिए वी आर गोइंग बीच. जो पार्सल आना था वो आ चुका है. सभी बीच चलते हैं और फिर आके अनबॉक्सिंग करते हैं.
गाइस आई एम एट द बीच राइट नाउ और यहाँ पे लोगों का स्वैग तो दिन भर बढ़ते जा रहा है। पानी में कुर्सी लेके बैठे लाइक वाओ, कुछ भी करते लोग आजकल। हे गाइस इट्स 11 इन द नाइट एंड आई एम बैक होम और आज ज़्यादा व्लॉग भी नहीं शूट कर पाया बिकॉज मेरे घर पे गेस्ट आए थे, उनके साथ थोड़ा बहुत बिजी था, फैमिली गेट टुगेदर चल रहा था। सो आई थॉट कि आई शुड कीप द व्लॉगिंग असाइड फॉर सम टाइम एंड एंजॉय द फैमिली टाइम। और जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे वो भी अनबॉक्सिंग नहीं की अब तक, सो मैं कल वाले व्लॉग में करूँगा जो आपके लिए परसों होगा। सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो एंड या आई एम लिविंग फॉर द ट्रिप फॉर द टुमारो, वो भी आप लोगों को अगले व्लॉग में पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, आओ जो। Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity.